अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देसी लैब में खुश आमदीन। दोस्तों, अगर आप तक आप लोगों ने देसी लैब सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ ही घंटी के बटन पर क्लिक करें, साथ ही कमेंट लाइक और शेयर भी कर लें। दोस्तों, हमारा मौजू है बुर्ज हक्रम इस हफ़्ते के लिए। दोस्तों, इस हफ़्ते मंसूबों की कामयाबी के लिए मुज़ाहमत करना पड़ेगी, दूसरी तरफ नए इकदाम करने के लिए बैज मुबासे करने पड़ेंगे। मरकज़ी सूरत हाल के मुताबिक आपको हकीकी अंदाज़ अपनाने का मशवरा देता है। हकीकत के नज़दीक रह कर ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आप सब में ऐसे लोग जो अकेले हैं, अपने प्यारों से सोमवार और मंगल को मुलाकातें कर सकेंगे और ये मुलाकातें आपकी पहचान और शहूर में इजाफे का बायस बनेगी। ख़ास लम्हात जीने का मौका मिलेगा। जिम्मेदारियाँ आपके लिए राहत और सुकून का बायस बनेंगी। कारोबारी मामलात में आपको कोई भी मौका आज से नहीं जाने देना। मुलाजमत और मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपके पास ज़ाती इकदाम है जो आप की ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इन इकदाम पर अमल करके मालियात में भी इजाफा करेंगे। इस हफ़्ते खुशकस्मती आपके साथ है। ये हफ़्ता सरमायाकारी और नए मनसूबों के लिए मुफीद है। सखावती मिजाज आपके बजट में तवाज़ुन को ख़राब कर देगा। आपके जज्बाती ताल्लुकात का ताल्लुक बराए रास्त मालियाती ज़िंदगी से है। तोहफे देते हुए मियाना रवैये इख्तियार करें। आपकी निजी ज़िंदगी आसान नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात एक वक्त के बाद मुतवक्का तौर पर परेशान कर देंगे। ख़ुद पर भरोसा रखें, अपनी सलाहियतों को किसी से कम ना समझें। मुस्तकबिल के लिए जो भी तब्दीलियाँ आप करना चाहते हैं, कोई भी आपकी राह की रिकावट नहीं बनेगा। नई तवानाई और जोश व जज्बा, इस हफ्ते आपका काम आसान हो जाएगा और आपके लिए नई राहों को खोल देगा। अहम फैसले करने के लिए ये हफ़्ता मिसाली है। ज़हनी इत्मीनान इस हफ़्ते आपकी मुतहरकात में तवाज़ुन कायम करेगा इंशाअल्लाह।